लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में कई लोग फंसे हैं, जिन्हें लॉकडाउन खुलने का इंतजार है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार के साथ ही स्थानीय सांसदों पर भी दबाव बढ़ रहा है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में होने की वजह से रेलवे ही एकमात्र जरिया है, और अगर केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलती है तो कुछ विशेष रेलगाड़ियों को ग्रीन जोन में चलाया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर रेलवे ने इससे साफ इनकार किया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर स्पेशल ट्रेन इनके लिए चलती है तो ये रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी, एक तय शहर के स्टेशन से चलेगी और वहीं रुकेगी जहां के लिए इसे नियत किया जाएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि यात्रा के लिए किसी तरह का शुल्क भी यात्रियों से नहीं लिया जाएगा। कोरोना वायरस के फैलते हुए संक्रमण को ध्यान में रखकर ट्रेन ही नहीं स्टेशन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसमें एक आइसोलेटेड कोच भी रहेगा जिसमें डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।